तो और भाई लोग सब बढ़िया। तो अगर आपके स्पीकर स्पीकर और कैबिनेट इसमें से आवाज़ आती हो भड़बड़ाहट की या फड़फड़ाहट की, तो करना कुछ नहीं है। मेरे इस साइड से पूरे में आवाज़ आ रही थी, यहाँ से पूरा एक खाली हो गया था। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम आपको चाहिए, एक फेविकॉल। ठीक, फेविकॉल का जोड़ आसानी से नहीं, ठीक है, तो इसका यूज़ करना, साथ ही साथ थोड़ा सा रुई लेना है, ठीक है। और क्या करना है कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ से मेरा ये फफड़ की आवाज़ आ रही है, ये यहाँ से कुछ सांस है या दरार आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको इस टाइप से लगा देना है, कुछ इस टाइप से, ये देख रहे हो, ऐसे भरना है। ऊपर से हल्का सा कॉटन लगाना हो, फिर इस पर फिर से इसको ग्लू को लगा देना है, और थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करते हुए लगाना है ऐसे। तो ये क्या है, ये पूरी दरार भर जाएगी, और जिससे इसमें खड़खड़ाहट की जो आवाज़ आ रही थी वो सारी की सारी बंद हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी कैबिनेट है तो इसमें तो खड़खड़ाहट की बेस जैसी आता है, खड़खड़ाहट भयंकर आती है। छोटे ब्लूटूथ स्पीकर भी होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, तो इसमें मैंने आसपास पूरा कॉइल बॉन्ड लगा दिया है, इसको भर दिया अच्छे से। तो इसमें जो भी वाइब्रेशन आती है, जो भी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, वो सारी अब बंद होने जाएगी। तो अगर आपके स्पीकर बॉक्स में से भी ऐसी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, तो आप इस बॉन्ड का यूज़ करें और खड़खड़ाहट को दूर करें।